हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट ट्यूबर। सो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने इस टॉपिक पे बनाई है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए बेस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस डॉग ब्रीड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा वह है अपनी इंडिया की खुद की नेटिव डॉग ब्रीड द इंडियन परिहा डॉग, जिसे कि हम लोकली स्ट्रीट डॉग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैंने अब तक टोटल 7 स्ट्रीट डॉग्स एडॉप्ट किए हैं, जिसमें से एक अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का है, इसलिए मुझे इन डॉग्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रीट डॉग्स के खूबियाँ के बारे में बताऊँ तो इनमें बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। और अगर कभी किसी कारण से बीमार हो भी जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये इजीली अपने आप ही रिकवर कर लेते हैं। दोस्तों, ये अपने इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एडेप्ट कर चुके होते हैं, इस कारण से इनको अपने इंडियन क्लाइमेट में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत आराम से रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी सिर्फ उसी इंसान को होती है जिसने कभी इसको पाला हो और इन्हें ट्रेन किया हो, जैसे कि मैंने। दोस्तों, मैंने जब भी पाला है इनको तो मैंने इन्हें ट्रेन किया है और मैं जानता हूँ कि किसी भी दूसरी ब्रीड डॉग के इक्वली ही इंटेलिजेंट होते हैं, और जो ट्रिक्स आप इनको सिखाएंगे, जो कमांड्स आप इनको सिखाएंगे, ये बहुत ईजीली उनको कैच करके रेगुलर करने लग जाते हैं। दोस्तों, इनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे कि इनके बाल बहुत ज़्यादा कम झड़ते हैं क्योंकि ये एडेप्ट कर चुके होते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। इस कारण से आप इनको रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आराम से रहेंगे और ना इनके बाल झड़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ये ईजिली अवेलेबल होते हैं, आपको किसी ब्रीडर वगैरह के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये फ्री में अवेलेबल होते हैं, और इस कारण से ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपको किसी डॉग को ख़रीदने के लिए देना पड़ता वो आप सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण लोग बाग इन्हें लेना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे कि इनमें से बहुत से, सबके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से होते हैं ऐसे जो कि बड़े होने के बाद दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। बचपन में वो अच्छे दिखते हैं जब वो छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट डॉग बनते हैं तो वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। इसके अलावा इनका नेचर होता है फ्री रहने का, तो ये फ्री रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और लीश में रखना इन्हें थोड़ा टिपिकल होता है। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं मेरे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी क्लिप्स भी इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, आप उन्हें देखिएगा और अगर आपको वह क्लिप्स अच्छी लगे और आपका मन हो कि आप उनसे रिलेटेड भी और वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। और उनमें से एक डॉग तो ऐसा भी है जिसको मैंने एकदम तरीके से ट्रेन किया है और वो लगभग 12 के अप्रॉक्सीमेटली कमांड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करता है, जिसमें कुछ एडवांस लेवल की कमांड्स भी है, जैसे बॉल को फैच करना और मेरे पास वापस लाना। सो दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगली कैटेगरी की डॉग्स जो कि हैं गार्ड डॉग्स और फैमिली डॉग, उनकी तरफ चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि हैं इन दोनों डॉग कैटेगरी के अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई स्मॉल साइज़ का फैमिली डॉग लेते हो तो उसके अंदर आपको उसको हैंडल भी इजीली कर पाओगे, उसकी वॉक भी कम करानी पड़ेगी और उसका मेंटेनेंस भी कम होगा। यही चीज़ अगर आप बड़े साइज़ के फैमिली डॉग के साथ करोगे तो यही चीज़ डबल हो जाएगी उससे, और आपको ये सब कुछ ज़्यादा करवाना पड़ेगा। उसकी वॉकिंग भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वॉक पे ही सेटिस्फाई होगा, वरना उसको ऐसे लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है, और उस कारण से फिर वो आपके घर के अंदर डिस्ट्रक्शन करेगा जो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है जो आप अपने डॉगी को दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद है, तो ऑफ़ कोर्स आप बड़ा डॉग्स ला सकते हैं, अगर आपको उसका मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से दिक्कत है, आप ज़्यादा वॉक में नहीं ले जाना चाहते, तो इन सब के कारण फिर आपको छोटा डॉग ज़्यादा प्रिफरेबल होगा आपके लिए।
चलिए दोस्तों अब गार्ड डॉग की बात करते हैं। तो गार्ड डॉग के अंदर जो ब्रीड्स आएगी वो होगी डोबरमैन, रॉटविलर, जीएसडी। मेनली यही जो ब्रीड हैं वो गार्डिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा भी कुछ ब्रीड्स हैं लेकिन जो मेन ब्रीड हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों जैसा इनके नाम से पता लगता है गार्ड डॉग, तो उससे अपन ये भी समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी गार्डिंग करते हैं और इसीलिए इनको ब्रीड किया जाता है। और इसके साथ साथ ये पुलिस डॉग, मिलिट्री डॉग, इनमें भी अपनी ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा लोग बाग इन्हें सोशल स्टेटस के लिए भी रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे और मस्कुलर होते हैं। लेकिन अगर किसी गार्ड डॉग को तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि उसे घर को गार्ड करना है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी घर में हो रहा होता है, कोई भी इंट्रूडर आता है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। इसलिए एक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ब्रीड डॉग के लिए। इट वॉज नॉट ओनली अ गार्ड डॉग, इट विल बी अ फैमिली डॉग, इट विल बी अ स्ट्रीट डॉग और एनी काइंड ऑफ डॉग। इसलिए ट्रेनिंग इज मस्ट। लेकिन अगर उसे तरीके से सोशलाइज नहीं किया जाएगा, उसे तरीके से अपने परिवार वालों के साथ नहीं रखा जाएगा, उसके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार करेगा, उसे एग्रेसिव बनाएगा, उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी जाएगी, तो ऐसा भी होता है कि वो अपने ही परिवार वालों अटैक कर दे। अब दोस्तों बात करें फैमिली डॉग की, तो इनके अंदर मोस्टली जो लोग बाग पसंद करते हैं वो होता है लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर। इसके अलावा भी कुछ ब्रीड्स हैं, बीगल वगैरह, लेकिन वो भी एक तरीके से गार्ड डॉग की कैटेगरी में आते हैं, भले उनकी हाइट वगैरह छोटी होती, इसलिए अपन उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा लोग बाग लेना पसंद करते हैं वो होता है लैब्राडोर, इसलिए उसे मेनली फोकस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इनमें से जो गोल्डन रिट्रीवर होता है वो कुछ ज़्यादा फ्रेंडली होता है एज़ कम्पेयर टू लैब्राडोर, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है गार्डिंग के टाइम पे। लेकिन जो लैब्राडोर होता है उसका नेचर मिक्स होता है, अगर आप उसे थोड़ी भी ट्रेनिंग दोगे तो इजीली घर को गार्ड भी करेगा और उसके अलावा एक अच्छा फैमिली डॉग भी होता है, इस कारण से मैक्सिमम लोग उसको लेते हैं। इसलिए आप लैब्राडोर को भी कंसीडर जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई दो डॉग ब्रीड्स जो कि बेस्ट सूट होगी, तो वो मैं कहूँगा फर्स्ट टाइम ओनर के लिए या तो लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जर्मन शेफर्ड एक शेफर्ड ब्रीड है, इस कारण से उसे लैब्राडोर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि अगर आप 3 से 4 किलोमीटर की वॉक उसे सुबह शाम कराएंगे तो वो उसके लिए इनफ होगा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मुझे कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगा मुझे जर्मन शेफर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो गार्डिंग कैपेबिलिटी है वो लैब्राडोर के मुकाबले कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह अपन दोनों की चॉइस वेरी कर सकती है, हो सकता है आप लोगों को लैब्राडोर ज़्यादा अच्छा लगे, जर्मन शेफर्ड नहीं लगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पपी लेते समय उसके पेरेंट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो पपी तो अपने को छोटा होता है इसलिए अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने को पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और बाद में अपने को वो प्रॉब्लम्स दिखाई देती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लेकिन जब अपन उसके पेरेंट्स को देख लेते हैं तो अपने को ये पता लग जाता है आगे जाकर वो कैसा बनेगा, उसकी हाइट क्या होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जिन क्लिप्स के लिए मैंने आपको कहा था मेरे स्ट्रीट डॉग्स की, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मुझे इन पर और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। लकी कम हियर, गुड बॉय, आ जा। ये देखिए 3-3 नमूने, इसका नाम भी मुझे भी नहीं पता, और ये है रोड पे घूमती हुई लैब्राडोर। लकी कम हियर।